आज कोई भी सरकार हो प्रभु जी, मेरे को किसी पर्सनल बात करें, कोई भी सरकार धर्म की क्या बात कर रही है बताइए आप मुझे। धर्म के तो चार स्तंभ बताए गए हैं। कौन से चार स्तंभ को स्थापित कर रही है? पहला स्तंभ, किसी किस्म का नशा नहीं, रोक रही है। पता नहीं ABCDDANAPARTY, पता नहीं कौन से नाम लेते हैं ये, UPA NDA, पता नहीं क्या क्या है। किसी ने भी एक टांग दूसरा जुआ खत्म किया। तीसरा, अवैध संबंध नहीं, कोर्टों ने अलाउ कर दिया लिव इन रिलेशनशिप, अवैध संबंध है जिसमें ना तो लड़का जो है ना लड़की, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रभु जी, शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबल जी एक रिस्पॉन्सिबल है, मैरिज एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। चौथा, नॉन वेज कहाँ रोक रही है, कहाँ है बताओ मुझे। ये चार स्तंभ बताए गए, इसको चार को बताया गया है, बताओ। चलो, पहला स्तंभ सत्य, जुए से खत्म होता है। दूसरा, दया, जब आप ये जानवरों को काटते हैं ना प्रभु जी, जब समान दृष्टि कही गई ना, तो इस समान का मतलब है कि आप जानवरों को भी जानते हैं, उसके अंदर आत्मा और परमात्मा है, उसमें भगवान भी है और जीव भी बैठा है, दोनों बैठा है, कैसे खा सकते हो? ये नहीं कि मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरे पिताजी ने बताया। ब्राह्मण कुल में सो कॉल्ड ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, और गौर ब्राह्मण श्रेष्ठ माने जाते हैं ब्राह्मणों में। नहीं बताया, जब पता लगा उसी दिन छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि मुझसे पूछा था डू यू ईट नॉन वेज, मैंने नो आई लव नॉन वेज, मैंने ये जवाब दिया था प्रभु जी। पिताजी फौज में, फिर होटल करा हुआ आदमी ने, होटल मैनेजमेंट, जिस दिन पता लगा नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ समझने के लिए तो ये एंटी है। मैंने कहा ठीक है छोड़ दिया, हम स्पिरिचुअल लाइफ समझते हैं, तो समझा जब, तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल सही है। तीसरा, तपस्या, अवैध संबंध से तपस्या खत्म होती है, अवैध संबंध से तपस्या खत्म होती है। चौथा, शुद्धता, ये शुद्धता और तपस्या को कंबाइंड किया गया, ये बोला गया जब शराब पीते हो तो तपस्या खत्म होती है, और शुद्धता खत्म होती है अवैध संबंध से, और दया खत्म होती है नॉन वेज से, और सत्यता खत्म होती है जुआ। सोचता हूँ ये होगा, मेरे ख्याल से धर्म ये है, मेरे ख्याल से धर्म ये है। धर्म के बारे में भी जुआ नहीं खेलना प्रभु जी। जाओ ना टीचर के पास जाओ, प्रभु जी अगर हमें कोई डाउट होता है तो हम किसके पास जाते हैं बताओ? अगर कॉलेज में कोई डाउट होता था प्रभु जी किसके पास जाते थे आप? टीचर के पास जाते थे, और टीचर किताब खोल के बताता था आपको, ये देखिए लिखा है। सही बात है गलत बात है? ये था। तो आज को कार्य संपन्न करने के लिए मुझसे पूछा एक ने कि आप ये इतने सारे आश्रम हैं आप क्यों बना रहे हो? मैंने कहा मेरा आश्रम है भी और नहीं भी है, मेरा तो इंस्टीट्यूशन है, मैं तो भगवदगीता पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, और मैं आस्तिक भगवदगीता पढ़ा रहा हूँ। नास्तिक भगवदगीता पढ़ाने वाले ही बहुत हैं, जो कि कहते हैं तुम ही कृष्ण हो, महाभारत हुई नहीं। अरे हिंदू तुम ही अपने पैर चोट मारते, कमाल के लोग हो भाई, अपने पैर पे अपने आप ही कुल्हाड़ी मारते। तो इसलिए हमें क्या करना है, सुख और दुख दूसरे का देखना है। हम जानते हैं वो सुखी जब होगा जब वो कृष्ण भक्ति करेगा, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को। किस क्यों जानते हैं? आप कहोगे, आपसे कई बार कहेंगे बुजुर्ग, अरे तेरी उम्र क्या है? बोले साहब मेरी उम्र नहीं है, परंतु मैं तो कृष्ण भगवान की बात लौटा रहा हूँ, लिख बोल रहा हूँ जो कि सनातन है, जो कि क्या है, और जिन्होंने कहा है गीता के अंदर कि मैं जो ये ज्ञान दे रहा हूँ ये मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था। किसको दिया था? सूर्य देव विवस्वान को, जब सृष्टि की प्रारंभ हुआ था मैंने जब दिया हुआ ये ज्ञान, तो मैं तो उनकी बात लौटा रहा हूँ। मेरी उम्र से क्या मतलब आपको? बड़ी अजीब बात है प्रभु जी, बुजुर्ग 30 साल के डॉक्टर के पास चले जाते हैं ठीक होने के लिए, परंतु जब अध्यात्म की बात आई तो बाल ऐसे सफेद हो गए। मैंने हाँ सफेद हो गए, जब मैं 26-27 साल का था ना प्रभु जी, मैं ऐसी था, ऐसे बोल रहा हूँ ना आज, मैं ऐसे बोलता था। मैंने कहा शास्त्र कहते हैं बहुत जन्मों के बाद आपकी इस उम्र में उम्र ज्यादा रही होगी, तो हो सकता है मैंने मनुष्य आपके, मैंने कहा मैंने हो सकता है 1000 मनुष्य को जन्म लिए हों और आपने 20 लिए हों, तो कौन ज्यादा बुजुर्ग हुआ? बुजुर्ग ज्ञान से हुआ करता है। किससे होता है? ज्ञान से। बुजुर्ग सफेद बालों से नहीं हुआ करता, ये गलत फिर भी मतलब ना, ये हमारे हिंदू धर्म में प्रॉब्लम है। क्रिश्चियन के अंदर प्रभु जी अगर 24 साल का लड़का भी जिसने बाइबल पढ़ी है 12-15 साल और वो अगर लेक्चर दे रहा होगा प्रभु जी, तो बुजुर्ग बुजुर्ग बैठ के सुनते हैं बड़े ध्यान से। हिंदुस्तान के अंदर बच्चा है, अरे ज्ञान में बच्चा है कि नहीं है? ज्ञान में बच्चा नहीं है भाई, उसने पूरा जीवन जब लगा दिया इसको समझने के लिए, उसको एजुकेशन के तौर पर लिया। तो आज मुझसे पूछा उन्होंने, तो मैंने कहा भाई मैं तो इसलिए बना रहा हूँ कि लोग आए सीखें और अपने जीवन में लगाएं, जो जो इसमें जुड़ना चाहते हैं। जैसे सबको मिलिट्री वाला थोड़ी बनने की जरूरत है, जिसका नेचर है मिलिट्री बने, जिसका नेचर है पुलिस वाला बने,
परंतु नेचर के हिसाब से। बिजनेसमैन पुलिस वाला बनेगा तो धंधा करेगा उसमें, जैसे आज कर रहा है ना वो, एक का नाम आ रहा है बंबई में जिसने खूब धंधा किया है, वह मेरा आता है ना उस पर आ जाता है प्रभु जी। हमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनको आज कई बार लोग मिलते हैं मुझे, अरे ये ठेके वाला कितना रईस है। मैंने कहा रईस किसने बनाया है, चार पैक तेरे में तो जोड़ते हैं वहाँ जाके है? जलता क्यों है तू बताइए। आज से 30 साल पहले तो मोबाइल नहीं था है, अब उसने जियो चालू कर दिया, वो जी रहा है, तू मर रहा है, मैं क्या करूं।